हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है दिल से हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या भी ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा बनाना, ऐसा फुली फुली क्रिस्पी करंची? तो आज का वीडियो ऐसा तरीका बताने वाला हूँ ना, ये तरीका अगर आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त एकदम क्रिस्पी करंची बना लेंगे घर बैठे। ये देखो ये हमारा तरीका कैसा, ये कितना क्रिस्पी और कितना करंची, ये देखो। अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं ना, ऐसा अगर सोच रहे हैं ये तरीके से बनाना, तो आज का वीडियो आप लोगों को मैं ए टू जेड शुरू से आखिरी तक क्या क्या और कब कब करना है। आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा है जो कि मैं वही चीज बताता हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग अच्छे से वीडियो देखते नहीं, बाद में वही चीज कमेंट करते हैं। इसलिए आज का वीडियो में जो भी है ए टू जेड एकदम टाइम टू टाइम अच्छे से बताया हूँ, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। ये वीडियो अगर देख लेंगे पानी पूरी गोलगप्पा बनाने का बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। यह हमारा आटा लगाने का मशीन 5 किलो का ये, और इसमें ही आटा लगाता हूँ। हमारा जो गोलगप्पे का पानी पूरी का आटा है, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लगा रहा है। देखो आज जो मैं पानी पूरी गोलगप्पा बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को लेना क्या है। ये हमारा ये आटा लगाने के लिए जो है एक बड़ा सा बर्तन ले लिया हूँ। उसके बाद ये हमारा, इसे हम माप लेंगे इसका, कि ताकि हमारा परफेक्ट माप रहे। जब परफेक्ट नाप रहेगा आपका, तो आपका परफेक्ट ही गोलगप्पा पानी पूरी बनेगा। ये हम सबसे पहले देखो, ये हमारा जो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आटा है कि सूजी है क्या है, मेरे भाई मेरे या आप लोग जब देखेंगे अच्छे से ना, ये देखो हमारा जो है ये बिल्कुल एकदम मीडियम वाला सूजी है। ये ना ज़्यादा बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत ये मीडियम भी नहीं, एकदम मीडियम सूजी है। और एक कटोरी लिया हूँ, एक कटोरी लेना है। उसके बाद ये देखो एक कटोरी ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अपना गेहूं का आटा, ये हिसाब से देखो, ये 25 से 30 ग्राम एक मोटा मोटा मान के चलो कि 30 ग्राम ये गेहूं का आटा हो गया। अब इसमें 1 ग्राम हम खाने का सोडा डालेंगे, सिर्फ 1 ग्राम। अगर आप लोग 1 किलो अगर बनाओ तो 5 ग्राम। ये हमारा 200, मुश्किल से 200 ग्राम या 250 ग्राम होगा। ये देखो एक चुटकी खाने का सोडा। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसका आटा लगा के तैयार करेंगे सबसे पहले। और यही चीज़ मिलाना है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं रहना है कि मतलब इसमें क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है। जो है ये एकदम मेरे जैसा अगर आप लोग सोच रहे हैं बनाना, तो ये हिसाब से अगर बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। और जो भी बताऊंगा शुरू से आखिरी तक क्या क्या और कब कब करना है, सबसे खास बात ये चीज़ जब तक समझेंगे नहीं, जब तक समझ नहीं पाएंगे। और ये हिसाब से अगर समझ गए ना क्या क्या और कब कब करना है, तो आपका बिल्कुल एकदम बढ़िया बनेगा। ये हिसाब से देखो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम अच्छे से इसका आटा लगा के तैयार कर लेना है। एकदम बढ़िया सा आटा लगाना है, ये बिल्कुल ध्यान देना, कभी भी ना ज़्यादा नरम लगाना है और ना ज़्यादा टाइट लगाना है। ये हिसाब से इसका आटा लगा के तैयार करना है। जितना बढ़िया आप इसका आटा लगाएंगे, उतना बढ़िया आपका पानी पूरी गोलगप्पा उतना बढ़िया ही बनेगा। ये हिसाब से देखो, अब ये हिसाब से हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे फटाफट। और आटा लगाते समय देखो सबसे खास बात, बिल्कुल एक जितना बढ़िया आपका आटा लगेगा उतना बढ़िया आपका पानी पूरी गोलगप्पा बनेगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जब आपका आटा अच्छा लगेगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा अच्छा बनेगा। अगर आटा लगाने में थोड़ा भी लापरवाही होगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा बढ़िया नहीं बनेगा। अब ये हिसाब से आटा लगाने के बाद अब इसको हम थोड़ा छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। उसके बाद आगे क्या करना है बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप लोग सोच रहे हैं घर बैठे पानी पूरी बनाना, तो आसान हो जाएगा। अब ये हमारा 5 मिनट होने के बाद इसको हम निकाल लिए हैं बाहर। ये हिसाब से बाहर निकाल के हम इसको बढ़िया से मसलेंगे। मसलने के बाद फिर हम बनाने वाले हैं इसका लोई पेड़ा। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ये हिसाब से हम इसका अच्छे से बढ़िया से एकदम मेहनत से मसल लेना है। कभी भी
और जितना बढ़िया मसलेंगे उतना बढ़िया, उतना जबरदस्त आपका गोलगप्पा पानी पूरी फूलेगा, एकदम गोल गोल क्रिस्पी करंची उतना बढ़िया ही बनेगा। अब ये हिसाब से देखो, अभी 30 सेकंड हो गया है, होने के बाद अब ले लिए अपनी हमारी आ गई पटरी। देखो अभी इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं, ये इसका लाट लगा लेंगे। सबसे पहले ये लाट लगाने का तरीका कुछ हमारा ऐसा है, और लाट लगाने के बाद हम करेंगे इसका कटिंग। कटिंग करना कैसा है देख लो, और यही चीज़ मैं बोलता हूँ, जब शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो हर चीज़ आप लोगों को पता चलेगा, कमेंट में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो चीज़ मैं बताता हूँ वही चीज़ आप लोग कमेंट में पूछते, भैया ये कैसे होगा, भैया ये ये आप लोग इसकी नहीं करना है, वो शुरू से आखिरी तक एक बार देखो। मैं पूरा जैसे कि मैं खुद बनाता हूँ वैसा ही बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो अभी हमारा पानी पूरी इधर बेल रहे हैं, देखो ये अभी बेल भी रहे हैं। और मैं आप लोगों को स्पेशली सिखाने के लिए, देखो कि आप लोगों को परेशानी ना हो, जो परेशानी मैं झेला हूँ वो परेशानी आप लोगों को ना हो। देखो हम लोगों को जब हम लोग जब सीखे थे पानी पूरी बनाना ना, दो दो तीन तीन साल लग जाते थे एकदम, वो भी मेहनत से दिन रात एक करके, चोरी चोरी जो सेठ के पास काम करो उसे जल्दी उठो और जल्दी हर आटा लगाओ, हर काम करो, उसके बाद फिर जाके सीखने को मिलता था। और आप लोगों को तो बिल्कुल आसान है कि एक बार देखो उसके बाद बनाना शुरू करो, एक दिन नहीं बनेगा, दो दिन नहीं बनेगा, तीसरे दिन लेकिन कन्फर्म पक्का बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को जब तक पता नहीं होगा जब तक नहीं बनेगा। अब देखो ये हिसाब से हम पूरा कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद आगे क्या करना है बने रहिएगा वीडियो में। अब ये हिसाब से देखो जो हमारा पेड़ा बना है, ये हिसाब से हम ये बना लिए हैं, देखो पूरा हमारा ये हिसाब से पेड़ा हम बना के रेडी कर लिए हैं। और बनाने के बाद अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा हम लेंगे ये 5 ग्राम अपना, ये जो गेहूं का आटा हम बचा के रखे हैं स्पेशल, हम तेल नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, आटा यही हल्का सा आटा मारेंगे इसके ऊपर। देखो अब ये हल्का सा मारने के बाद अब इससे फ़ायदा ये होगा, जो हमारा पेड़ा बनेगा ना लोई इतना एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ये देखो बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से मिलाना है कभी भी, और ये हिसाब से अगर आप लोग बना लेंगे ना, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका गोलगप्पा जो बनेगा ना एकदम बाजार जैसा, ठेले वाले जैसा एकदम परफेक्ट ही बनेगा। सिर्फ एक बार देखो, जिंदगी भर बनाओ और रियल में बनेगा आपका, मैं पूरे गारंटी पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये मेरे तरीके से बना लेंगे ना तो पूरा एकदम परफेक्ट बनेगा। आप देखो ये हमारा आ गया फिर से पॉलीथीन, आप लोग देखे होंगे आटा लगाने के बाद पॉलीथीन में रखे पेड़ा काट, ये लाट लगा के कटिंग करने के बाद पॉलीथीन में रखे, अब पेड़ा बनाने के बाद देखो फिर पॉलीथीन में। अब अगर देखेंगे तो जो हमारा ये लोई बन के तैयार हुआ है, देखो ये एकदम अलग अलग है। अब इसको एक घंटा ऐसा छोड़ भी अगर देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अब चलो हम इसका पहले बेल लेते हैं, और बेलना कैसा है सबसे बहुत बड़ा ज़रूरी बात वही है जानना कि बेलना कैसा है। जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे ना तो आपका सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा। बने रहे वीडियो में ताकि आप लोग एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ पाए ये हिसाब से। चलो अब बेलना दिखा देता हूँ हम लोग बेलते कैसे हैं। हमारा जो बेलने का तरीका है देखो, ये सबसे पहले ये जो मैं आप लोगों को स्पेशल बताया हूँ आटा लगा के पेड़ा बना के, और ये हिसाब से अगर देखेंगे तो ये हमारा पूरा ये हिसाब से हम पेड़ा बना के रख लिए हैं। देखो इधर भी है और इधर भी है और उधर भी, देखो दो पॉलीथीन में भर के रखा हूँ। अब इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलीथीन में क्यों बोलता हूँ, अगर पॉलीथीन में नहीं रखेंगे थोड़ा भी अगर हवा लगा, और अगर YouTube पे वीडियो देखते होंगे तो उसमें क्या है, ऐसा परात में रख के कच्चे कपड़े गीले कपड़े से उसको ढक के रखते हैं,
तो गीला कपड़ा ना लगा के पॉलिथीन में अगर रखेंगे तो सबसे आसान और बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि कच्चा कपड़ा लगाएंगे तो वो भी गीला होगा, उससे अच्छा है ऐसा पॉलिथीन में रख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कभी भी पॉलिथीन में रखेंगे तो एकदम साफ सुथरा और ना गीला भी नहीं होगा। हम लोग इसलिए कभी भी पॉलिथीन में रखते हैं। और हमारा जो बेलने का साइज, अगर आप लोग देखेंगे ये है हमारा साइज, और कभी भी अगर ये हिसाब से आप लोग बेलेंगे ना, ये मोटा पतला ना रहे, थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन एक साइज का एक जैसा ही बेलने की कोशिश करें, कि जब तक एक साइज का एक जैसा बेलेंगे नहीं जब तक आपका पानी पूरी गोलगप्पा बनेगा नहीं बरोबर। ये रहा हमारा बेलने का तरीका, कुछ ऐसा है। ये देखो, यही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लोग स्किप करके देखते हैं तो उसमें क्या है, पूरा आपका पानी पूरी गोलगप्पा खराब होने का पूरा चांस रहता है। क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को हर चीज़ बहुत बारीकी से बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस उठाए वीडियो बना दिए हो गया। और आप लोग सोचते होंगे कि मतलब पानी पूरी देख लिया और बनाएंगे बन, ऐसा नहीं बनेगा। शुरू से आखिरी तक एक एक चीज़, जो जो चीज़ मैं बताता हूँ बहुत बारीकी से बताता हूँ, और जब तक एक एक चीज़ समझेंगे नहीं जब तक पानी पूरी नहीं बनेगा, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। और मैं पूरा ए टू जेड बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, कि आप लोग एक बार देखो और उसके बाद बनाओ, पूरा एकदम परफेक्ट और बढ़िया ज़बरदस्त बन जाएगा। अब बेल लेते हैं, बेलने के बाद आगे क्या करना है बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आप लोग एक बार में एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी करंची बना लो। अब ये हमारा देखो पूरा हो गया, बेलने के बाद पूरा एकदम कंप्लीट रेडी। अब इसको क्या करना है, हम इसको सबसे पहले इसको ढाक देंगे बढ़िया से, ये हिसाब से देखो, ये हिसाब से हम अच्छे से इसको ढाक देंगे। ये हो गया हमारा पूरा ख़त्म। ये बेलने के बाद कंप्लीट होने के बाद एक बार ढाक दिए, उसके बाद ये देखो ऊपर से हल्का सा एकदम कच्चा कपड़ा करके गीला, ये अब इसके ऊपर रख के ऐसा ढाक देंगे। और अगर ऐसा आप लोगों का बेलने के बाद ख़त्म हो जाए, अगर कपड़े पे रख रहे हैं 1 किलो 2 किलो बना रहे हैं तो ऐसा करना है, और नहीं तो जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम अगर बना रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को करना है पॉलीथीन पे रख लेना है और उसको आधा घंटा छोड़ देना, आधा से पौना घंटा अच्छा बढ़िया ढाक के कि हवा ना लगे, उसके बाद ले जाके फ्राई करना। हम लोग कैसा ज़्यादा बनाते हैं इसलिए हम लोग कपड़े पे रखते हैं, अगर कपड़े पे नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और इधर देखो हमारा पानी पूरी भी हम इसमें बेलते हैं, देखो ये देखो, ये हमारा रहा पानी पूरी का मशीन, कुछ है हमारा ऐसा है। अगर जो लोग भी सोच रहे हैं अपना खुद का पानी पूरी का बिजनेस करना, देखो पूरा कंप्लीट होने के बाद ये रहा हमारा पानी पूरी का मशीन, हम लोग इससे भी बेलते हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए हाथ से भी बेलते हैं। और ये हमारा तरीका है, कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसको 1 घंटा छोड़ने के बाद ले चल के फ्राई करूँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसा बन रहा है। कभी आप लोग ध्यान दिए पानी पूरी वाले पानी पूरी फ्राई कैसा करते हैं, अगर नहीं दिए हैं तो अब देख लो, बहुत काम आने वाला है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा बनाने का कि बनता कैसा और बनाना कैसा है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और एकदम ज़बरदस्त होगा। ये हिसाब से अगर आप लोग भी फ्राई करेंगे ना, आज के वीडियो में मैं जो भी बताया हूँ एकदम रियल, एकदम परफेक्ट, जैसा कि हम लोग खुद बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक साथ में कितना सारा, और सबसे ख़ास बात पानी पूरी फ्राई करते समय क्या ध्यान देना है क्या नहीं देना है। ये वीडियो अगर आप लोग एक बार देख लेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से ही समझ जाएंगे पानी पूरी बनता कैसे है, बनाना कैसे है, मिलाना क्या क्या चीज़ है, फूलेगा कि नहीं फूलेगा, पूरा ऑल टोटल जो भी बताया हूँ आप लोगों को ए टू जेड में पूरे डिटेल में बताया हूँ, कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ और घर बैठे आसानी से बनाना सीख जाओ। और जो हमारा फ्राई हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, हम लोग भट्टी के ऊपर फ्राई करते हैं। सबसे खास बात, अगर ये आप लोग सोचो कि मतलब कम आँच पे फ्राई करेंगे तो पानी पूरी कम आँच पे कभी भी पानी पूरी एकदम बढ़िया अच्छा खूब तेज आँच रहे उसके नीचे, ताकि जैसे डालो तेल के अंदर तुरंत निकल जाए बाहर, तो पानी पूरी बनेगा एकदम परफेक्ट। अगर थोड़ा भी ठंडा तेल रहा
तो आपका पानी पूरी बरोबर नहीं बनेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया फ्राई हो रहा है, और फ्राई करने का हमारा तरीका बिल्कुल आप लोगों के सामने है, जो भी है A to Z। ऐसा अगर आप लोग भी सोच रहे हैं घर बैठे आसानी से बनाना, तो आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। और जो हमारा फ्राई होके निकल रहा है, अगर मैं वो भी दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची है, देखो ये देखो ये देखो, जबकि तुरंत ये हमारा फ्राई होके निकल रहा है। देखो कितना क्रिस्पी कितना क्रंची है, और कितना सारा एक साथ में हम लोग फ्राई कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा हम लोग 2 से 3 हज़ार रोज बनाते हैं डेली का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।